हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान एक नज़र में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान से रिलेटेड सामान्य जानकारी, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही सामान्य जानकारी से रिलेटेड प्रश्न ही आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले आपके सामने आता है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,249 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो का आज ये पार्ट वन है, इसके तीन पार्ट मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, तो हर एक पार्ट को आप देखना मत भूलिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में बनते हैं, और यहाँ पे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से एग्ज़ाम में आपके कौन से प्रश्न बने हैं, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलिए। आगे आता है आपका राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण अगर पूछी जाए तो कितनी है, 826 किलोमीटर। राज्य की चौड़ाई अगर पूछी जाए पूर्व से पश्चिम, तो ये है आपकी 869 किलोमीटर। यहाँ पे देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 10.41%। दोस्तों, ये प्रश्न आपके अभी हाल ही में राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है, जो कि 31 मार्च को आपका पेपर हुआ है राजस्थान जीके का, वहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसके बाद आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है। तो राजस्थान का प्रथम स्थान है देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषम कोणी चतुर्भुज, यानी कि इंग्लिश में कहें तो रोम्बस इसकी क्या है, शेप है, और पतंगाकार भी आप इसे कह सकते हैं। राज्य का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, जैसलमेर है। राज्य का सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, धौलपुर है। दोस्तों, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है आपका जनसंख्या के अनुसार, जयपुर है, ये आप सभी को पता होगा। सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, जैसलमेर है। राज्य का नवगठित 33वां जिला कौन सा, प्रतापगढ़ है आपका। राज्य का नवीन 7वां संभाग कौन सा है, भरतपुर है। राज्य की राजभाषा आप सभी को पता है, हिंदी है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, तो ये है आपकी 685.48 लाख। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। राज्य की नगरीय जनसंख्या भी आपको पता होनी चाहिए कितनी है, 170.48 लाख। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 24.9% क्या है राजस्थान की नगरीय जनसंख्या। राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या पूछी जाए तो 515 लाख है, प्रतिशत में 75.1% है। साक्षरता दर, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आगे आने वाली एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। साक्षरता दर है आपकी 66.1%। पुरुष साक्षरता अगर पूछी जाए, साक्षरता का मतलब होता है दोस्तों लिटरेसी रेशियो, ठीक है, पुरुष साक्षरता है आपकी 79.2%। महिला साक्षरता पूछी जाए तो 52.1%। राज्य ग्रामीण साक्षरता दर है 61.4%। राज्य की नगरीय साक्षरता है आपकी 79.7%, और लिंगानुपात आपका क्या है, 928 है। तो दोस्तों, ये आंकड़े हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही आंकड़े, इनको कोई याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे के ऐसे ही आंकड़े आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और 2011 की जनगणना के आंकड़े बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है आपका। तो वो सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे सम्मिलित किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में आपसे कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो राज्य की ग्रामीण लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो 933 है। राज्य का नगरीय लिंगानुपात है आपका 914। शिशु लिंगानुपात है 888। ये प्रश्न अभी वापस आपसे राजस्थान सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपको पता रखना है। आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि शिशु लिंगानुपात होता है दोस्तों 0 से लेके 6 आयु वर्ग की बालक या बालिकाओं के लिए जो लिंगानुपात होता है उसे शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है हमारा, 892 है। शहरी शिशु लिंगानुपात है आपका 874। अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है आपका 17.83%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है 13.48%। जनसंख्या घनत्व पूछा जाए दोस्तों, ये बड़ा ही सिंपल है, 200, ये अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका दशकीय वृद्धि दर। यहाँ पे दोस्तों आपसे दशकीय वृद्धि दर पूछी गई है, यानी कि 2001 में लास्ट जनगणना हुई थी, उसके बाद आपकी 2011 में हुई है,
तो इस 10 साल के अंदर आपकी राजस्थान में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो आप बता सकते हैं 21.31% आपकी क्या है दशकीय वृद्धि दर है। नगरीय दशकीय वृद्धि दर पूछी जाए तो 29% है। ग्रामीण की अगर आपसे पूछी जाए वृद्धि दर तो वो है आपकी 19%। 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहर हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 शहर हैं आपके, जयपुर, जोधपुर और कोटा सिटी, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहर हैं राजस्थान में? तो टोटल कितने हैं आपके? 33 ज़िले हैं। 33 में से 30 ज़िले आपके ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। बाकी क्या आपके जो 3 ज़िले बसते हैं इनकी जनसंख्या आपकी 1 लाख से भी कम है दोस्तों। राज्य की सर्वाधिक तहसीलें वाला ज़िला कौन सा है? यहाँ पे है आपका भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, अलवर, सभी में आपकी 16 तहसीलें सम्मिलित हैं। इसके बाद आता है सबसे कम तहसीलों वाला ज़िला कौन सा है? तो जैसलमेर है। सर्वाधिक उपखंडों वाला ज़िला है आपका भीलवाड़ा। न्यूनतम उपखंडों वाला ज़िला है आपका जैसलमेर। ठीक है, यानी कि अगर सबसे कम तहसीलों की बात की जाए और उपखंडों की बात की जाए तो दोनों में आपका क्या आएगा? जैसलमेर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला ज़िला कौन सा है? बाड़मेर और उदयपुर। न्यूनतम पंचायत समितियों वाला ज़िला है आपका जैसलमेर। आगे आता है आपका न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला ज़िला है आपका जैसलमेर। 140 यहाँ पे आपकी पंचायतें हैं। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला ज़िला कौन सा है? उदयपुर है। यहाँ पे 544 ग्राम पंचायतें आपको देखने को मिलेगी। सर्वाधिक गांवों वाला ज़िला कौन सा है? श्रीगंगानगर। सबसे कम गाँवों वाला ज़िला है आपका सिरोही। सर्वाधिक नगर पालिकाएँ व नगर निकाय कहाँ पर है? झुंझुनू में। सर्वाधिक पटवार मंडल है आपका जयपुर में। न्यूनतम पटवार मंडल आपका जैसलमेर में है। सर्वाधिक आद्र जिला है आपका झालावाड़। सर्वाधिक आद्र स्थान आपका सभी को पता है आपको माउंट आबू, यहाँ पे ये पहाड़ी पे बसा हुआ है इसलिए सबसे सर्वाधिक आद्र स्थान है आपका ये। सर्वाधिक शुष्क स्थान पूछा जाए आपका तो फलौदी, जोधपुर। जोधपुर आप सभी को पता है मरुस्थलीय प्रदेश है इसलिए सर्वाधिक शुष्क स्थान कहा जाता है फलौदी जोधपुर को। इसके बाद आता है सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये है आपका माउंट आबू। सर्वाधिक लू व आंधी वाला ज़िला कौन सा है आपका? श्रीगंगानगर। राज्य के सबसे नज़दीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? हमारा कांडला। पाकिस्तान से लगती सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला ज़िला कौन सा है आपका? जैसलमेर। ये आप सभी को पता होगा, यहाँ से हमारे पास में पाकिस्तान की जो सीमा लगती है जिसका नाम है रेडक्लिफ सीमा। ठीक है, आगे चलिए, आगे बताता हूँ मैं आपको राज्यों में लगती सर्वाधिक लंबी सीमा वाला ज़िला कौन सा है? तो ये है आपका झालावाड़ दोस्त। इसके बाद आता है दोस्तों आपका सबसे कम लंबी राज्य सीमा किसकी है? तो सबसे कम लंबी राज्य सीमा है आपकी पंजाब से। पंजाब से सबसे कम सीमाएं हमारे राजस्थान की लगती है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्य सीमा पूछी जाए आपसे तो किससे है? एमपी से। एमपी से हमारे राजस्थान के 10 ज़िलों की सीमाएँ लगती है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, अंतर्राज्य सीमा पूछा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राज्य यानी कि इंटरस्टेट जो सीमाएं हैं आपकी, इंटरस्टेट बाउंड्रीज, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका वह ज़िला जिसकी सीमा सर्वाधिक ज़िलों से मिलती है। तो ऐसा है आपका पाली, इसकी सीमा हमारे राजस्थान के अलग ज़िलों की 8 सीमाओं से मिलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।